लड़की का खूनी बदला। यह कहानी मैंने अपने गांव के ही एक बुजुर्ग जो मुंबई में काम करते थे उनसे सुनी थी। एक बार की बात है कि कुछ विदेशी शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक पुराना बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अधिकारी ठहरा हुआ था। आथर इन विदेशी शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने बंगले में रुकना पड़ा। इस बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीबी तथा लगभग 12-13 साल की उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब शिकारी शिकार करके वापस पुराने बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीबी तथा बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाले और तीनों की लाश को बंगले के पीछे दफना दिए। यह बात आई गई रह गई। शिकारियों ने फिर कुछ दिन के बाद वहां मुकेश नामक एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहां चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक मुकेश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर हुक लगाया, कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। मुकेश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर मुकेश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? मुकेश की इतनी बातें सुनते ही वह किशोरी और तेज फफक पड़ी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और मुकेश को बताया कि वह इस बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4 से 5 विदेशी शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी माँ की आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ तथा उसको भी गोलियों से भूनने के बाद पुराने बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही मुकेश पूरी तरह सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? मुकेश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और मुकेश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। मुकेश यह नजारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर मुकेश के सामने बैठते हुए बोली कि धीरे धीरे मुकेश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। मुकेश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थिपंजर को निकाला। फिर मुकेश ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन विदेशी शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलवाकर रहेगा। मुकेश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका, आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या, उस किशोरी के बताए अनुसार मुकेश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा उस किशोरी को किए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया।
उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार मुकेश ने न लड़की के अस्थि पंजर को जलाया और न ही उसके क्रियाकर्म के लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ ही किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस पुराने बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि मुकेश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूथी कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूथी कारनामे से आने वाले नए सेवक को 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ, वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस बंगले में ठहरने वाला हर विदेशी शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी शिकारी को अपने लटकों झटकों में फंसाकर उस बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डराकर उस विदेशी को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा और उस बंगले में मरने वाले विदेशी शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रही। अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और न ही मरने वाले शिकारियों अधिकारियों के मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में विदेशी शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 और वर्ष बीते और अब वह बंगलों खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। पर वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी विदेशी शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारों की तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद उस भूतनी ने अपने हत्यारों को पहचान लिया। एक दिन वह शाम के समय खूब खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे शिकारी के घर पर गई। घर पर उस विदेशी शिकारी के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उसको अपनी सुंदरता में फांस लिया। रूप लुभावन हो तो अच्छे अच्छों को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस हत्यारे से मिली, फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कहा कि क्यों नहीं हम लोग शिकार पर चले। उसने ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अधिकारी से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत ही खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरी युवा भूतनी से उस शिकारी को मिलवाया। अब तो अधिकारी पूरी तरह उस भूतनी के मायाजाल रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती भी। शाम होने को आई तो शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों न हम लोग वापस शहर लौट चलें। शिकारी की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि नाना, आज रात हम लोग यही ठहर कर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अन्य शिकारी ने कहा कि हमने पहले से पुराना बंगला तो बुक किया ही नहीं है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ी तैयार कर ली थी
उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी ला दी थी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये विदेशी उस मड़ी में पहुंचे। इन विदेशी शिकारियों को उस मड़ी की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ी में महलों, बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा साथ ही अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बदल चुकी थी। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने ग्लास में खून भर के लाकर उन शिकारियों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी शिकारी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह ना करे, क्योंकि सबके सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछालकर इतना जोर से खींचा कि चर्र की आवाज के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिए और उसका खून को पीने लगा। खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल चीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपने विकराल भयावह भाले जैसे नाखूनों को डालकर उसकी दोनों आंखों को निकालकर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूतनी भूत ने एक एक कर सभी शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन शिकारियों की खोज में गए अधिकारियों को उनकी ऐसी विभत्स लाशें मिली जो देखने में बहुत ही भयावह लग रही थीं। उनको ऐसे नोचा गया था कि लगता था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम ही नहीं हो सकता। मुकेश को तो सब कुछ पता ही था, पर वह किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से मुकेश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा करवा दी। यह एक मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी है, पर हकीकत भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति संबंधों का नाजायज फायदा उठाते हुए गलत कार्यों को अंजाम देते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनका बालबाका भी नहीं कर सकता। हमेशा वैसा ही कार्य करें जैसा आप दूसरों से अपने तथा अपनों के प्रति चाहते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय। हर हर महादेव।